नमस्कार साथियों, बेबी हेल्थ गाइड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगी कि छोटे बच्चे दूध पीने के बाद उल्टी क्यों करते हैं। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चे दूध पीने के बाद फटे दूध की उल्टी करते हैं। तो साथियों, यह चीज कॉमन है, यह बच्चे को अक्सर होती है। मगर इसके लिए ऐसा क्या करें जिसका हम ध्यान रखें और बच्चे को उल्टी ना हो या कम हो जाए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसी पांच चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिससे बच्चे की काफ़ी हद तक उल्टी कम हो जाएगी। तो चलिए साथियों, बताती हूँ वह पांच बातें जिसका आपको बेबी के लिए ध्यान रखना है। नंबर एक, सबसे पहले बच्चे को हमेशा दूध पिलाने के बाद उसे डकार जरूर दिलानी चाहिए। उसे कंधे पे लेकर हाथ से धीरे धीरे पीठ थपथपाएं और पीठ सहलाएं, जिससे उसको डकार आ जाए। क्योंकि यह प्रॉब्लम अक्सर जब बच्चा दूध पीता है तो उसके साथ जो हवा अंदर चली जाती है जिससे बच्चा उल्टी करता है। यदि बच्चा दूध पीते सो जाए तो आप उसकी नींद ना खराब करें, उसे सुला दें। जब वह उठे तब उसको डकार दिला दें। नंबर दो, शुरुआत में आपको आपके बच्चे का भूख का पता नहीं होता और आप बच्चे को दूध ज़्यादा पिला देते हैं जिससे बच्चा उल्टी करता है। आपको बच्चे को दूध थोड़ा कम देना है और हर दो घंटे में देना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो बच्चा उल्टी नहीं करेगा। नंबर तीन, आपने साथियों अक्सर देखा होगा बच्चे अपनी उंगलियां या हाथ मुँह में डालते रहते हैं। आपको बच्चे को हाथ मुंह में नहीं डालने देना, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, इससे बच्चा उल्टी नहीं करेगा। नंबर चार, साथियों बच्चे के पेट को कभी नहीं दबाना चाहिए। जैसा हम बच्चे को कभी कभार ऐसी पोजीशन में लेते हैं जिससे बच्चे का पेट पर दबाव पड़ता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, बेबी के पेट पर दबाव ना पड़े, इससे बेबी उल्टी नहीं करेगा। नंबर पाँच, साथियों बच्चे में गैस की समस्या ज़्यादा होती है जिससे अक्सर बच्चा उल्टी करता है। इसके लिए माँ को हमेशा अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, वह ऐसी चीज़ ना खाए जिससे गैस बने। और बेबी को कई बार कोल्ड कफ ज़्यादा हो जाता है, इससे भी बच्चा उल्टी ज़्यादा करता है। इसके लिए आपको उसकी कोल्ड कफ को ठीक करना है, डॉक्टर को दिखाकर उसे दवा टाइम पर दें, तो इससे बच्चे का कफ कोल्ड ठीक हो जाएगा और बच्चा उल्टी नहीं करेगा। साथियों, इसके अलावा यदि आप यह सब बच्चे को कर रहे हैं और फिर भी बेबी उल्टी ज़्यादा करता है तो आप एक बार डॉक्टर कफ से ज़रूर संपर्क करें। तो साथियों, आज की मेरी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।